हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर टुडेज क्लास. स्टूडेंट्स, इन आवर टुडेज लाइव क्लास आई हैव एक्सप्लेन यू सम क्वेश्चंस. ओके, सी सेकंड लेसन. आज के क्लास में मैंने सेकंड लेसन का कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करी थी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था. ये सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे, राइट? यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था. बट क्वेश्चन नंबर डी बहुत से स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा था कि उसमें क्या करना है. सो इन आर टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट यू हैव टू डू इन क्वेश्चन नंबर डी. आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्वेश्चन नंबर डी में आपको क्या करना है और कैसे आपको क्वेश्चन नंबर डी सॉल्व करना है. ओके, सो कम लेट्स स्टार्ट. नाउ फर्स्ट वी विल रीड द क्वेश्चन दैट व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन. रीअरेंज दिस वर्ड्स to make complete sentence and write them down. Remember to begin each sentence with a capital letter and end with a full stop. Now students, what you have to do? See here some words are given there. यहाँ देखिए picture के नीचे कुछ words दिए हुए हैं, but words are not arranged. ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं ये अरेंज नहीं है, दे आर नॉट मेकिंग अ कंप्लीट सेंस. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रीअरेंज दिस वर्ड्स टू मेक कंप्लीट सेंटेंस. नाउ वी हैव टू रीअरेंज दिस वर्ड्स, हमें ये वर्ड्स को रीअरेंज करना है. क्यों रीअरेंज करना है? बिकॉज वी हैव टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस. हमें एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए इन वर्ड्स को रीअरेंज करना है. एंड वी हैव टू राइट देम डाउन. अगेन वी हैव टू write this sentence after arranging. We have to write this sentence once again. And what we have to keep in mind, what we have to remember? We have to remember that each sentence begins with a capital letter. Now your sentence should always begin with a capital letter. आपका जो sentence है वो हमेशा किस letter से start होगा? Capital letter से. And end with a full stop means आपका जो सेंटेंस है वो कहाँ एंड होगा, मतलब ख़त्म होगा? फुल स्टॉप पे. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आर टाइम, कम वी विल स्टार्ट. नाउ व्हाट इज द वर्ड्स गिवन हियर? मंकीज, बनानास, लाइक. व्हाट इज द वर्ड? मंकीज, बनानास, लाइक. सो डज दिस वर्ड्स मेक अ कंप्लीट सेंस? नो, दिस वर्ड्स डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस. ये जो वर्ड्स है कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा है. क्यों नहीं बना रहा है? क्योंकि ये रीअरेंज नहीं है, अरेंज करके नहीं लिखा हुआ है, सब ऊपर नीचे है, सब गड़बड़ है, है ना? तो हमें क्या करना है? हमें इन वर्ड्स को रीअरेंज करके लिखना है. क्यों रीअरेंज करके लिखना है? इसीलिए ताकि ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाए जो हमें एक कंप्लीट सेंस दे सके. ओके, सो कम टेक पेंसिल इन योर हैंड एंड वी विल राइट. सी आई हैव रिटन डाउन, मैंने तो लिख के रखा है, एंड यू विल ऑल्सो राइट. नाउ वी विल रीअरेंज द सेंटेंस. मंकीज लाइक बनानास. सो दिस सेंटेंस इज मेकिंग सेंस? यस, ये सेंटेंस सेंस बना रहा है. मंकीज को क्या पसंद है? मंकीज लाइक बनानास. सो we will write the sentence in capital letters like this, monkeys like banana. We will end the sentence with a full stop. Hum sentence ko end karenge full stop se. Okay, now next sentence, she well dances. So does it make a complete sense? No, it does not make a complete sense. ye complete sense nahi bana raha hai. She well dances, isse kuch samajh mein aa raha hai? Nahi. तो हमें इसे एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है. तो हम कैसे लिखेंगे? शी डांसेस वेल. ओके, शी डांसेस वेल एक कंप्लीट सेंटेंस बना रहा है ना, राइट. सो आफ्टर राइटिंग द सेंटेंस वी विल एंड द सेंटेंस विथ फुल स्टॉप. हमारा सेंटेंस एंड होने के बाद हमें किससे एंड करना है सेंटेंस को? फुल स्टॉप से. सो यू विल मेक अ फुल स्टॉप आफ्टर कंप्लीटिंग योर सेंटेंस. ओके, so like this you have to write all these sentences. Now we will see number 3. What is given in number 3 is cooking father lunch. So it is not making a complete sense. ये complete sense नहीं बना रहा है. तो हम इसको sentence बनाएंगे, father is cooking lunch. Okay,
तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद हम क्या लिखें डालेंगे वहाँ, फुल स्टॉप। वाई फुल स्टॉप? बिकॉज अ सेंटेंस एंड विद द फुल स्टॉप, हमारा सेंटेंस एंड होता है फुल स्टॉप से। नाउ नंबर फोर, इज स्किपिंग माई ब्रदर, सो वी हैव टू मेक सेंटेंस, सो वी विल राइट हियर माई ब्रदर इज स्किपिंग, ओके, एंड आफ्टर राइटिंग द सेंटेंस फुल स्टॉप। नाउ नंबर फाइव, न्यू अ कार इज दिस, सो वी विल मेक अ कंप्लीट सेंटेंस, दिस इज अ न्यू कार एंड फुल स्टॉप, ओके। नाउ नंबर सिक्स, लव्स जिया प्लेइंग टेनिस, सो जिया लव्स प्लेइंग टेनिस एंड फुल स्टॉप। नंबर सेवन, लाइक स्क्वेरल नट्स ईटिंग, सो स्क्वेरल लाइक्स ईटिंग नट्स, फुल स्टॉप। नाउ लास्ट, संडे ऑन पिकनिक हैड वी अ, सो इट इज़ नॉट मेकिंग अ कंप्लीट सेंटेंस एंड सेंस, सो वी विल मेक इट सेंटेंस, वी हैड अ पिकनिक ऑन संडे, राइट? सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट, ओके।